Subscribe and press the bell icon for latest update. उत्तराखंड के डोईवाला के सीएचसी अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड 2017 व 2018 दिया जाने की घोषणा से क्षेत्र में जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं डोईवाला के सीएचसी के वरिष्ठ डॉक्टर व सीएमएस आरएस पॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधाएं और सुविधाओं की उपलब्धता पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से कायाकल्प अवार्ड के लिए चुना गया है। सुनिए सीएमएस आरएस पॉल का पूरा बयान। सरकार का जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलाया जा रहा है, इसके तहत एक कायाकल्प प्रोग्राम है। ये समस्त चिकित्सालयों के लिए है, जितने भी भारतवर्ष के जो चिकित्सालय हैं उनमें कायाकल्प का जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसके तहत जो मरीजों को जो दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उनका आकलन किया जाता है, सुविधाएँ दी जा रही हैं उनके प्रति जो चिकित्सक हैं और ये चिकित्सालय के जो कर्मी हैं उनका व्यवहार कैसा है, ये सब का जो है जो टीम आती है भारत सरकार की वो सबसे इंटरव्यू लेती है, मरीजों से भी मिला करके और जो यहाँ की जो सुविधाएं हैं वर्तमान में जो दी जा रही हैं और ये सारा और स्वच्छता को लेकर के ये सारा एक पॉइंट्स दिए जाते हैं। उनके पास एक पूरी चेकलिस्ट होती है, उसके तहत ही जो है वो चिन्हित करते हैं कि कौन सा जो है अस्पताल अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति में है। तो इसके तहत जो है हमारा जो चिकित्सालय है वर्तमान में देहरादून का एकमात्र चिकित्सालय है जो इस अवार्ड के लिए चिन्हित किया गया है। देर शाम सीएचसी डोईवाला को यह सूचना मिली तो तमाम लोगों ने जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताया, तो वहीं पूरे राज्य में डोईवाला सीएचसी को यह सम्मान मिला है। इसलिए अब लोगों की उम्मीदों पर और ज्यादा खरा उतरने के लिए सीएचसी को अपनी अधिक व्यवस्था बनाकर मरीज व उनके तीमारदारों को सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश जारी रहेगी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।